वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मंगलवार शाम करीब 5 बजे जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जबकि प्रशासन का कहना है कि अनुशासनहीनता पर 5 छात्रों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, लेकिन जवाब देने के बजाय उन्होंने नोटिस की कॉपियों को जलाया और अनुशासन समिति का बहिष्कार भी किया। छात्रों का कहना है कि वो लोग 5 छात्रों को मिले कारण बताओ नोटिस के विरोध में शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, तभी प्रशासन के लोग आए और बेल्ट और गमले उठाकर छात्रों को मारने लगे। 2 छात्रों को प्रॉक्टर की टीम उठाकर ले गई, उन्हें एक कमरे में मारा गया। 20 से 25 गुंडे यहां पर आए, जिसमें से 10 कैंपस के थे और बाकी 20 जो है बाहर के थे। वो आए, उन्होंने यहां के गमले उठाए और गमले उठाकर किसी के सर पे मारे, किसी की कमर पे मारे, अपनी बेल्टें निकाल के बेल्टों के बक्कल से मारा। अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को इस तरह मारा पीटा जाएगा तो यहाँ पे क्लासेस चलाने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी में ताले डाल देने चाहिए। पिछले 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन, जामिया टीचर्स एसोसिएशन और पूर्व छात्रों के संघ के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से कहा गया था कि यूनिवर्सिटी को डिस्टर्ब न करें और कानून व्यवस्था को बनाए रखें, साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के माहौल को भी बनाए रखें। छात्रों के कुछ गुटों ने आज कुलपति ऑफिस का घेराव किया, ऑफिस कॉम्प्लेक्स को घेरने के साथ साथ सभी एग्जिट गेट को भी बंद कर दिया। इसके बाद सीनियर टीचरों और अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी छात्रों से प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स को खोलने की बात कही।